बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में वीक्षक की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी है कि वीक्षक समय पे केंद्र पे पहुंच जाए और वहां केंद्राधीक्षक से परीक्षा सामग्री जैसे OMR शीट, क्वेश्चन बुकलेट इस बार TES बैग में होगा। TES का मतलब है टेम्पर्ड इविडेंस सिक्योरिटी बैग। 12-12 का सेट होगा, एक बैग में 12 क्वेश्चन बुकलेट होगा। इसके अलावा उपस्थिति पत्रक, सह प्रवेश पत्रक और रोल शीट, ये सामग्री ले लेंगे और उसके बाद अपने कक्ष में जाएंगे जिस कक्ष में उनकी ड्यूटी अलॉट की जाएगी। और वहां जाने के बाद सबसे पहले सीटिंग प्लान देखेंगे कि सही से सीटिंग प्लान किया गया है या नहीं। 12 के गुणांक में ही सीटिंग प्लान किया जाना है। सीटिंग प्लान पहले से केंद्राधीक्षक कराए हुए होंगे और उसको एक बार जांचने के बाद फ्रिस्किंग करना है। जो भी परीक्षार्थी उनके कक्ष में होंगे उनकी सघन तलाश करनी है, क्योंकि इसका एक रिपोर्ट भी देना है। और तलाशी के बाद जब समय होगा, आदेश होगा, बेल बजेगी, तब उनको OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड करना है। और पूरे परीक्षा में सावधानी बरतनी है कि किसी तरह की गलती ना होने पाए, परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर ना जाएं और इधर उधर घूमते हुए ना मिलें, और पूरी सावधानी के संग वो परीक्षा दें, OMR शीट भरें, आंसर बुकलेट सही सही भरें और जो भी निर्देश मिला है उसका पूरा पूरा पालन किया जाए। इस बार परीक्षा की सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन बुकलेट जो है वीक्षक को ही खोलना है और परीक्षा समाप्त होने के बाद OMR शीट संग्रहित करके परीक्षार्थियों के सामने उसी परीक्षा कक्ष में सील करना है। सील करने के लिए बहुत ईजी है, पॉली बैग मिलेगा यानी प्लास्टिक का बैग मिलेगा और उस बैग में निशान बना होगा, लिखा होगा फोल्ड हियर, वहीं से फोल्ड करके पहले सेट कर लेना है और उसके बाद उसके अंदर OMR शीट काउंट करके और सबका सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर मिलान करके सही सही प्रविष्टियों की जांच करके रख देना है और सील कर लेना है। इस भी सावधानी ये है कि परीक्षार्थी भागने की जल्दी में होते हैं तो पहले से अलर्ट करते हैं कि भाई भागना नहीं है, आप अपने सामने सील होते हुए देख लीजिए, उसके बाद ही परीक्षा कक्ष आप छोड़ सकते हैं। जो परीक्षार्थी अब्सेंट होंगे उनके रोल नंबर के सामने अब्सेंट लिख देना है या क्रॉस कर देना है, और जो लोग बिना प्रवेश पत्र के आएंगे उनको किसी हाल में प्रवेश नहीं देना है। अगर प्रवेश पत्र नहीं है तो उन्हें CS के पास भेज देना है, CS के बारे में डिसीजन लेंगे। वैसे परीक्षार्थी जिनका एडमिट कार्ड पे फोटो या सिग्नेचर अस्पष्ट है तो उनसे घोषणा पत्र प्राप्त करना है और आधार कार्ड या फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेना है। और परीक्षा कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गजट जैसे मोबाइल या वाईफाई कनेक्शन या और भी ब्लूटूथ वगैरह जो कुछ भी है, इवन की इरेजर भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। परीक्षार्थी OMR शीट पे कोई निशान न लगाए, अगर लगाता है तो उसे वॉच लिस्ट में डाल देना है। इसके अलावा करीब 6 प्रपत्रों को भरना है, उस पर सिग्नेचर करना है। सबसे पहला है प्रपत्र 5A, इसमें TES बैग खोलने का प्रमाण पत्र देना है, चूँकि जो क्वेश्चन बुकलेट आएगी वो इसी बैग में आएगी, एक बैग में 12 क्वेश्चन बुकलेट होगी, तो इसको अपने परीक्षा कक्ष में खोलेंगे और इसका एक प्रमाण पत्र देना है। दूसरा है प्रपत्र 19, इसमें निगरानी सूची डालना है, जैसे कोई कैंडिडेट आधार कार्ड अपना मेंशन किया है बट आधार कार्ड नहीं लाया है तो उसकी निगरानी सूची में डालेंगे, या कोई संदिग्ध गतिविधि में पाया जाता है, ताक झांक करता है या किसी की हेल्प करता है या हेल्प लेता है तो उसको भी निगरानी सूची में डालेंगे। प्रपत्र 18 में परीक्षार्थी से घोषणा पत्र लेना है, अगर परीक्षार्थी के पास अस्पष्ट एडमिट कार्ड है यानी एडमिट कार्ड पे उसका फोटो सिग्नेचर अस्पष्ट है तो घोषणा पहले से लेके आएगा, जो BPSC ने अपने वेबसाइट पे जारी भी किया है। सीटिंग प्लान का भी प्रपत्र 17 में विवरण देना है, उस पर वीक्षक का हस्ताक्षर होना है, और कदाचार यदि होता है तो कदाचार संबंधी विवरण के लिए प्रपत्र 9 को भरना है, और प्रपत्र 6 में ये घोषणा करना है कि मेरा कोई संबंधी BPSC द्वारा आयोजित इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहा है। तो इस तरह इस बार पूरी की पूरी जवाबदेही वीक्षक पे है और वीक्षक पूरी सावधानी के संग अपना काम करें तब बिहार लोक सेवा आयोग को इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने में सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि ये सामान्य जानकारी आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।